नमस्कार, मैं सियाजी और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहद ही खास वीडियो, और उसमें मैं बताने वाला हूँ कुछ खास। एक मैं अभी आपको बॉक्स दिखाने वाला हूँ और उस बॉक्स में कुछ बहुत ही खास चीज़ है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी पहले एक बार आप इस बॉक्स को देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए इसमें ये चीज़ खास है। आप ये देख रहे होंगे, ये वाला भी दिख रहा है, और भी मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला और ये वाला, यानी इसकी जो आठों धार जो हैं वो आप देख रहे हैं, इसकी दिख रही हैं। ये वाला कैसे पॉसिबल हो पाता, यही इसमें खास बात है। अभी इसको मैंने फोल्डिंग ही रखा हुआ है, क्योंकि फिक्स करने के बाद में मैं आपको वो नहीं समझा पाता, इसलिए मैंने इसको अभी फोल्डिंग ही रखा है। ये कच्चा है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो इसमें खास चीज़ है वो ये धार कैसे देखते हैं, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा इस तरह का बॉक्स जिसमें दोनों साइड में, क्योंकि अगर यहाँ से हम इसको बनाने जाएंगे तो देखिए, या तो ये एक धार है वो अंदर रह जाएगी तो अंदर वाली नहीं दिखेगी, चार दिखती है और चार नहीं दिखती है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं आठों धार इसकी दिख रही हैं, ये वाली आप देख लीजिए, सारी की सारी धार, पूरी की पूरी जितनी लकड़ी की मोटाई है उतनी ही दिख रही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसमें पूरा जो माजरा होता है वो किस तरह से, ये बहुत ही बारीकी का काम है, इसका जो ये कारीगरी है वो बहुत ही बारीक काम है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हो पाता है। देखिए अभी इसका जो ऊपर नीचे का मैंने बॉक्स नहीं लगाया हुआ है, ये ढक्कन जो है नीचे का, और ये नहीं लगाया हुआ है। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हो पाता है। देखिए ये वाला है, ये वाला हो गया अलग, अभी आपको ये दिख रहा है। अब दूसरी साइड से इसको देखिए, ये है इसकी खास चीज़, ये जो कट आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल नज़दीक से ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसको कटिंग करना पड़ता है, जो ये चारों पीस हैं इसका, ये जो कट इसमें लगता है आप देख लीजिए, ये कट है, ये लगाना बहुत ही कारीगरी का और बहुत ही मुश्किल काम है। कल मेरे को भी पूरा 6 घंटा से ज़्यादा इसको बनाने में लग गया है। ये वाला एक पीस हो गया, सेम इसमें सब में इसी तरह का कटिंग, देखिए ये इस तरह से इसमें जाके दोनों में फंस जाता है, तो फिर ये इधर वाली भी धार है वो पूरी दिखती है और इधर वाली भी दिखती है। ये देखिए ये जो चीज़ है ये वाली इसमें लग गई, ये जो दो चीज़ है ये देखिए इसी तरह से ये हाफ हाफ कट इसमें लगता है, और ये वाला जो एक साइड में इसमें जो ये कातरा बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ये वाला लग जाता है इस तरह से। तो इस तरह से ये जो बॉक्स है ये बनता है। और अभी इसको ऐसे में, अभी इसको पूरा करने के बाद में इसका जो नीचे का जो बॉटम लगेगा और ऊपर का जो ढक्कन इसका जो कह लीजिए वो लगेगा, वो भी खास होगा। उसका मैं बाद में पूरा इसको पक्का करने के बाद में बनाऊंगा, वो भी बहुत ही खास इसमें बनता है। उसमें ये चारों धार दिखेगी नहीं, लेकिन वो ढक्कन है वो भी फोल्डिंग रहेगा, उसको आप फोल्डिंग भी बना सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं, उसका वीडियो कभी बाद में बनाऊंगा। ये वाला है, ये चीज़ इसके लिए बनाने के लिए मैंने बताया ये जो कट लगाने हैं, क्योंकि इसमें ये बाहर का ये हिस्सा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी इसमें अगर आप बनाना चाहें, जब भी बनाने जाएँ, तो ये वाला जो हिस्सा इसका जो रहता ना, ये इसको पहले इतना बरोबर मत लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 2 डोरा 3 डोरा या 1/2 इंची जो भी है वो बड़ा ले लीजिए, और इसमें ये कट जो है ये बना करके पूरा फिनिश करके उसके बाद में इसको कट कीजिए, ताकि ये वाला हिस्सा टूटेगा नहीं। अगर पहले ही आप इसको बराबर कर लेंगे तो ये इतना पतला जो हो जाता है ये टूट जाएगा, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से और ध्यान से ये करना होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जब इसका पूरा नीचे का है वो लग जाएगा, नीचे का पैंदा और ऊपर का ढक्कन जब इसमें लग जाएगा, वो भी मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।